अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो भी हालात चल रहे हैं, अब हालात ये चल रहे हैं कि कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, तो कभी गैस नहीं है। और आज पूरे कोहाट शहर में गैस नहीं थी और बिना नोटिफिकेशन के, बिना बताए गैस बंद कर दी गई है। सुबह से लेकर तकरीबन 1 बजे तक घरों में गैस आई है। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल गए हैं, कॉलेजेस गए हैं, और काम करने वाले जो हजरात हैं वो बिना नाश्ता किए अपने कामों पे गए हैं। मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। तो हम लोग 21वीं सदी में हैं, और अगर हम बाहर के ममालिक जाकर हम पानी, गैस, बिजली के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि मतलब बाहर ममालिक में ये बेसिक नीड्स हैं, इन पे बात नहीं की जाती। वहाँ तरक्की की बात की जाती है, वहाँ पे अब चांद पे पहुँचने की भी बातें नहीं की जाती। मरीख के बारे में बात की जाती है, मुश्तरी के बारे में बात की जाती है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाता है, लेकिन हम लोग अभी तक मतलब पानी के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें इन मसाइल में इतना उलझा के रख दिया है ना हमारे हुक्मरानों ने कि हम इन मसाइल से निकलेंगे तो हम कोई प्रोग्रेसिव बात करेंगे। तो हालात जो है वो 70-75 साल गुजरने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे। लेकिन खान साहब ने कहा था ना कि आपने घबराना नहीं है, तो मेरे ख्याल से कि अब वक्त आ गया है कि अपने अपने सर्कल में रहते हुए आप बात करें, आप आवाज़ करें, आप कुछ ना कुछ तो बोलें। मतलब खामोश तमाशाई बनने से ना अब बात नहीं बनेगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि कोहाट से गैस की प्रोडक्शन होती है, तो उस लिहाज से तो कोहाट का हक सबसे पहले था ना, लेकिन कोहाट को ही अपनी प्रोडक्शन से महरूम रखा जाता है। अब बिजली जो है वो यहाँ की जो बिजली है वो जाती है जनाब पंजाब चली जाती है, हमें नहीं मिलती। यहाँ की गैस जो यहीं पे बनती है वो कोहाट को नहीं मिलती। तो मतलब बंदा किस किस चीज़ का रोना रोए। अब चलो अगर पहले से बता दिया जाता है कि सुबह अवेलेबल नहीं होगी, जैसे कि आप वापडा वाली सरकार जो है शेड्यूल जारी कर देती है पूरे महीने का, स्टार्ट से ही पहली तारीख से, जैसे वो बंदे की तनख्वाह नहीं आती, गरीब बंदे की सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह आती है, तो वो पहले महीने की पहली तारीख को शेड्यूल जारी कर दिया जाता है कि इस तारीख को जो है इस टाइम से लेकर इस टाइम तक बिजली अवेलेबल नहीं होगी। तो भाई आप लोग फिर गैस का शेड्यूल भी जारी कर दें ताकि बंदे को पता हो, और फिर उसका कोई मतबादल तो बंदा इख्तियार करे ना। अचानक से आप इस तरह हमारे सरों पे बम फोड़ देते हैं तो उस सिचुएशन में बंदा क्या करे। बहुत सारे घरों में मरीज़ होते हैं जिनको टाइम पे दवाई लेनी होती है, और दवाई लेने से पहले कुछ ना कुछ उनके लिए खाना बनाना होता है, तो वो फिर उस सिचुएशन में क्या करें, तमाशा तो नहीं देख सकते ना। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आवाम जो है वो बोलें अपने हक के लिए, क्योंकि देखें कभी भी उस कौम की हालत तो नहीं बदलती ना जो अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी। तो खामोश तमाशाई बनने से कुछ नहीं होगा, आवाज़ उठाएं, बोलें। ये तो देखें हदीस का मफहूम भी है कि जहां आप कुछ गलत देख रहे हैं तो आप उसको हाथ से रोक दें। अगर आप कुदरत नहीं रखते तो आप बोलें, आवाज़ उठाएं, और अगर आप बोल भी नहीं सकते तो कम से कम दिल में कहें, और दिल में कहना ईमान का सबसे कम तरीन जो है वो हिस्सा है। तो बस इतना ही आपसे कहना है, बाकी खुश रहें। जज़ाकल्लाह।